ਐਸ ਵਰਡ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ट्रांसपोर्ट फीस ना ले जान दी गल स्कूल तो कही सी। इस दे नाल ही माइक्रोसॉफ्ट दी फीस नू अद करन दी मंग स्कूल मैनेजमेंट दे अगे रखी सी अते माता पिता ने उस समय कहा सी कि वो केवल ट्यूशन फीस ही दे सकते हैं, जिस दे बाद स्कूल प्रिंसीपल वल्लों मैनेजमेंट दे सामने उन्हां दी मंग रखन दे लई समां लिया सी। उस नू लैके दोबारा कुछ माता पिता दा वफद स्कूल विच आया अते प्रिंसीपल प्रभजोत गिल दे नाल बैठक कीती। बैठक के बाद माता पिता ने कहा कि स्कूल की सालाना फीस ट्रांसपोर्ट फीस जब तक कोई फैसला नहीं आता तद तक ना लैण की गल मान ली है। इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट की फीस नू अद्धी करन की मांग रखी सी उस स्कूल ने कहा कि वह ट्यूशन फीस का ही एक हिस्सा है, स्कूल वह अद्धी नहीं कर सकता। जिस दे बाद माता पिता ने स्कूल के फैसले से अपनी संतुष्टि प्रगट करते हुए कहा कि वह स्कूल नू ट्यूशन अते माइक्रोसॉफ्ट फीस देने दे लई तैयार हैं। उधर इस संबंधी जब स्कूल प्रिंसीपल प्रभजोत गिल नाल संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि स्कूल माता पिता के नाल हर तरह नाल खड़े हैं अते उन्हां दी समस्या नू समझदा है। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला मानयोग अदालत का है माता पिता नू समझा दिता गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट अते मानयोग अदालत के फैसले के अनुसार जेकर किसी विद्यार्थी के माता पिता की तनखाह घट है तो अपने कागजात स्कूल नू देवे, बच्चों का रिकॉर्ड चैक करके बच्चों की फीस माफ भी कर दी जाएगी। जी स्कूल स्कूल हफ्ते दो हफ्ते पहले जो अपना इतने पीरियड्स का प्रिंसीपल का जो उन्हों का जो कोई फीस जो भी आपस में मतभेद से मीटिंग मीटिंग के बच्चे अभी आए हैं। सो जो पेरेंट्स ने पहले जी गल रखी थी वही सी भी फीस देने तक किसी पेरेंट्स ने मना नहीं किया भी अभी फीस नहीं देनी क्योंकि स्कूल इतना वधिया आ, न्याणे बहुत सोहना पढ़ रहे हैं, बहुत वधिया गल है, उसकी फीस ही देवे, सानू फीस देने में कोई इतराज नहीं गा। बाकी एनुअल चार्ज जिहड़ा आ भी वो इस साल बच्चे स्कूले नहीं आए तो असं नहीं देना है। तो जी इसकी कंप्यूटर फीस भी वो एक रिक्वेस्ट की गई सी, एक रिक्वेस्ट तौर पर आए थे पर थोड़ा जिहा चलो डिबेट हो गया ज़्यादा उस दिन, तो चलो आपस में सी कोई गल सूँ भी नहीं पता है भी हर एक पेरेंट्स ने अपने वालों की कहना है। तो वो जो भी गल सी वो कहते भी जो हिस्सा आ एक ट्यूशन का हिस्सा आ भी असी लड़ा है तो ये जिसनों मंजूर है वो अपना अद्धे जो नहीं मंजूर है तो वो बेशक अपने बच्चे का जो स्कूल वो चीज़ कर सकते। डिसीजन यही जी उन्होंने जो डिसीजन तो उन्होंने लेना से अच्छा उन्होंने ले लिया आ साड़ा जो मंग सी वो पेरेंट्स की वो अच्छा उन्होंने दस उदन ही उन्होंने पता लग गया भी आज उन्होंने सूँ दसना सगा भी हाफ करनी कि नहीं करनी, पर कहते भी वो तो सा खर्चा ज़्यादा आता है जो सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया हुआ बच्चे पढ़ाने बनाया हुआ चलो बहुत वधिया आ उसके नाल चलो बच्चा पढ़ता ये असं भी कहने पर असी उन्होंने हर ने यही गल कही कि मैंने हाफ कर दो पर कहते भी साढ़े भी हाफ किए तो भी साडा जो सॉफ्टवेयर बंद हो जाना सो इस हाफ नहीं कर सकते भी वो हाँ जो कुछ ज़्यादा ही गरीब बच्चा तो उन्होंने जो भी उन्होंने पेपर डॉकूमेंट हैगी जो भी है वो देना पैना है वो मुताबिक अभी उसकी स्कॉलरशिप या कुछ भी होगा उन्होंने माफ़ किया जाऊंगा। आज एस टी एस वर्ल्ड स्कूल विच पेरेंट्स के नाल मीटिंग हुई, पेरेंट्स नू स्कूल फीस का जो रोड सीगा उसके बारे क्लैरिफिकेशन दी गई तो सारे पेरेंट्स सैटिस्फाइड होए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला भी दिखाया गया जिदे विच ये दस्या गया कि स्कूल कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहा है। तो जिहड़ी पेरेंट्स नू कंप्यूटर फीस दे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सी कि वह हाफ की जाए वह भी उन्होंने समझाई गई है कि वह माइक्रोसॉफ्ट फीस हैगी है। तो जेडे पेरेंट्स एक्चुअल विच काफ़ी ज़्यादा गरीब ने वो नहीं दे सकते वो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर दें और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और उदे बेस ते बच्चे की मैरिट भी कढ़ी जाएगी, क्लास टीचर तो बच्चे की परफॉर्मेंस भी पता की जाएगी, बच्चे की अटेंडेंस टीम्स के उपर देखी जाएगी, सारा कुछ जड़ा है वो कंसिडर करके फिर जड़ा है डिसीजन होएगा बच्चे नू असी फीस माफ कंप्यूटर फीस जड़ी है वो अद्धी माफ़ करनी है कि नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट्स जड़े है वो पेरेंट्स तैयार कर लें, जड़े भी डॉक्यूमेंट्स हैगे ने वो बेसिकली पेरेंट्स फादर दी और मदर दोनों के डॉक्यूमेंट्स चाहिए ने
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਡਿਟੇਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਸ, ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਸ ਲਿੰਕਡ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਰੇਟਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਲਾਸ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵਾਕਈ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।